थाने जिले के डोंबिवली पूर्व पश्चिम को जोड़ने वाला कोपर के सामने सुबह 7:30 बजे के करीब एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 विद्यार्थी और एक पैदल जा रहा युवक घायल हुआ है। इसके अलावा हादसे में 2 रिक्शा और 3 मोटरसाइकिल भी चपेट में आ गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसकी मदद से पुलिस जाँच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार घटना आज सुबह 7:30 बजे के करीब डोंबिवली पश्चिम के कोपर पुल के सामने का है। बता दें कि एक मिनी बस ने सड़क के किनारे पार्क की गई 2 रिक्शा और 3 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। वहीं सामने एक स्कूल भी है। इस हादसे में पैदल जा रहे कक्षा 3 में पढ़ने वाले आरुष रेडेकर, किशन अंकुरा विस्पुते घायल हो गए हैं। साथ ही पैदल जा रहा एक युवक रोहित पाटिल भी इस हादसे का शिकार हो गया। इन सभी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं मौके पर विष्णु नगर पुलिस पहुंचकर घटना का पंचनामा किया गया और बस ड्राइवर सुशांत रेमंदे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस ड्राइवर का बस कंट्रोल छूट जाने से ये हादसा हुआ है। आज सकाळी 7:07 वाजण्याच्या सुमारास डोंबिवली ईस्ट वरून डोंबिवली वेस्ट कडे कोपरेल ब्रिज वरून टेम्पो ट्रॅव्हल येताना भरधाव वेगात होता, त्यांनी त्याचा वेग कंट्रोल न झाल्यामुळे तो रिक्षावाला धडकला। रिक्षावाला धडकल्यानंतर बाजूला साऊथ इंडियन शाळा आहे त्या ठिकाणी रिक्षातून विद्यार्थी उतरत असताना त्या विद्यार्थ्यांना त्या रिक्षाचा धक्का लागला आणि त्यात 2 विद्यार्थी एक मुलगी असे जखमी झाले असून त्यांच्यावर शासकीय हॉस्पिटल व काहींवरती ओझन हॉस्पिटल डोंबिवली वेस्ट या ठिकाणी उपचार चालू आहे। आणि जो टेम्पो ट्रॅव्हलर चालक आहे त्याच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, तपास करत आहोत।